अगर आप अपने व्हीकल के आरसी को ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। तो इसमें कभी कभी ये दिक्कत होती है कि आपका आरसी से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, तो हम आपको ये भी आज बता देंगे कि आपका लिंक है तो आप उसे कैसे, जैसे अगर लिंक है तो गलत नंबर लिंक है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं लिंक है तो आप कैसे लिंक कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने आरसी से मोबाइल नंबर को लिंक करेंगे और उसके बाद अपने आरसी को डाउनलोड कर लेंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप parivahan.gov.in के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आप इसे क्रोम ब्राउज़र में टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप एक नए पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप हैं अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सारे स्टेट का नाम दिया हुआ है, जिस स्टेट से है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे और अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब अपने वाहन का नंबर, गाड़ी का नंबर जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप अंदर फिर आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। पिछले वीडियो में हम आपको डुप्लीकेट आरसी मंगाना बताए थे कि आप घर बैठे कैसे मंगा सकते हैं एक डुप्लीकेट आरसी को, या पीवीसी आरसी आप मंगाना चाहते हैं तो उसको कैसे मंगा सकते हैं। तो इसमें आपको हम ऑनलाइन डाउनलोड करना ही बताएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए डाउनलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन मिलेगा आरसी प्रिंट फॉर्म 23। तो इससे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके आरसी के साथ मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर नहीं लिंक होगा तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं लिंक है तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, हम इसमें आपको लिंक करके भी बता दे रहे हैं, ये तुरंत लिंक भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये सर्विस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन में आना है। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये फिर एक नया पोर्टल मिलेगा, आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब वाहन का नंबर डालेंगे, चेसिस नंबर डालेंगे, इंजन नंबर, ये सारी डिटेल आपको आपके आरसी पे मिल जाएगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट डाल देंगे, ये भी आरसी पे लिखी हुई होती है, और आपका कब तक आरसी वैलिड है ये डेट आप यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम इसको पूरी फिल करते हैं और फिर शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शो डिटेल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, इसमें देखिए एक नंबर लिंक है मेरा। अगर आपका नंबर कोई लिंक है तो यहाँ पे दिखाई देगा, अगर आपका नंबर नहीं लिंक है तो यहाँ पे ब्लैंक ऐसे जैसे कि यहाँ खाली है ऐसे खाली यहाँ पे रहेगा। तो कभी कभी ये केस में होता है कि मतलब यहाँ नंबर लिंक है वो नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं होता, या तो बंद हो जाता है या तो खो जाता है। तो उसमें भी आपको क्या करना है, नया नंबर यहाँ लिंक कर सकते हैं, यहाँ पे हो या ना हो। अगर आप नया नंबर लिंक कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके वो नया नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर आपको वो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसे आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद आपका ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट पे करेंगे आपका यहीं पे मोबाइल नंबर सक्सेसफुल लिंक हो जाएगा। बस छोटा सा काम करना है, यहाँ एक नया मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा उस नंबर पे, उसको यहाँ फिल करके सबमिट पे करेंगे तो ऊपर यहाँ मैसेज आपको दिखाई देगा कि हमारा नंबर लिंक हो गया है। तो आप इस तरीके से आप ये नंबर लिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आरसी प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर आप अपने वाहन का नंबर डालेंगे, चेसिस नंबर डालेंगे और इंजन नंबर डाल के वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वो मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आप लिंक किए रहेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके उस नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है, इसको कट कर देंगे और उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी आरसी आ जाएगी। आप देखेंगे कि पूरी डिटेल आपकी आरसी की उसमें आपको मिलेगी, जैसा कि आपके फिज़िकल आरसी में था। तो आप इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं या तो पीडीएफ बना के रख सकते हैं। इसको पहले आप पीडीएफ बना लीजिए, फिर किसी साइबर पे जाके इसको निकलवा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने गाड़ी के व्हीकल के आरसी को डाउनलोड करके उसे यूज़ में ला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खत्म।